हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक वी। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ जून के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिश टीवी में 24.19% स्टेक कौन से बैंक ने प्लेजेट शेयर के द्वारा एक्वायर कर लिए हैं। यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि प्लेजेट शेयर्स क्या होते हैं। कोई भी कंपनी या बैंक को अपने डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए मनी चाहिए, और जब किसी भी कंपनी या बैंक के पास इसकी कमी होती है तो इसके लिए वो बैंक से लोन लेते हैं और अपने कुछ शेयर्स कोलैटरल के तौर पर बैंक को दे देते हैं। एक तरह से वो कंपनी या बैंक अपने शेयर्स को प्लेज्ड करते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्लेज्ड शेयर्स। तो डिश टीवी में 24.19% स्टेक खरीदे हैं यस बैंक ने। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट 2020। स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग उसके स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुसार कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग है 23rd। स्टार्टअप ब्लिंक डिफरेंट कंट्रीज के स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के अनुसार उनकी रैंकिंग करता है। इंडिया की रैंकिंग 2019 में थी 17th पोजीशन पे, लेकिन इस साल इंडिया की रैंकिंग है 23rd। इस रैंकिंग पे फर्स्ट प्लेस पे है US, सेकंड पे है UK और थर्ड पे है इसराइल। मूडीज डाउनग्रेड्स इंडियाज सॉवर्जिन क्रेडिट रेटिंग टू डैश। मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग घटा के अब कितनी कर दी है, तो मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग कर दी है BAA3। मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 कर दी है। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्वदेश टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन्स। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ ए इन स्वदेश। यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्वदेश, जिसमें कि देश में लौटने वाले सिटीजन्स हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी। हमें ये बताना है कि स्वदेश में ए का एक्रोनिम क्या है, तो ए का एक्रोनिम है अराइवल। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की। स्वदेश इनिशिएटिव में देश में लौटने वाले सिटीजन्स का उनके स्किल सेट और एक्सपीरियंस के अनुसार डेटाबेस तैयार किया जाएगा, और इस डेटाबेस को इंडिया में जितनी भी इंडियन और फॉरेन कंपनीज है उनके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे कि ये कंपनीज इन स्किल्ड वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाएंगी। हु हैज लॉन्च्ड द COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP, अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट मेकिंग वेरियस हेल्थ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल टू ऑल। CTAP, जिसका फुल फॉर्म है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके द्वारा जितनी भी हेल्थ टेक्नोलॉजीज और हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दुनिया में हर किसी को एक्सेसिबल किया जा सकेगा। तो हमें ये बताना है कि CTAP ये किसने लॉन्च किया है, तो CTAP लॉन्च किया है WHO ने, और इस इनिशिएटिव द्वारा जितनी भी हेल्थ टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वैक्सीन, टेस्ट, ट्रीटमेंट टू फाइट COVID-19, इन्हें एक्सेसिबल किया जाएगा हर किसी के लिए। हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। फिनलैंड के लिए एम्बेसडर ऑफ इंडिया किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रवीश कुमार। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि सुशील कुमार सिंगल को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी के लिए। सीबी जॉर्ज को एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है स्टेट ऑफ कुवैत के लिए, और गायत्री कुमार को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है UK के लिए। पी नामग्याल पासेस अवे, हु वॉज ही। पी नामग्याल जिनकी डेथ हो गई है, हमें ये बताना है कि वे कौन थे, तो वे थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। पी नामग्याल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और 3 बार कांग्रेस MP थे लद्दाख से। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि इंटरनेशनल आर्चर और कोच जयंती लाल नवनुमा की भी डेथ हो गई है। उन्होंने 2010 में एशिया कप और एशिया ट्रॉफी में मेडल जीता था। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन से डे को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ऑन विच डेट वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3rd June को। और 1st June को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 2nd June को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 4th June को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि 5th June को कौन सा डे मनाया जाता है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।